चिरंदन गौर हरि की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री गौर परिकर वृंद तदीय आयुर्वाद तिथि व्यास पूजा की जय। स्वागत श्री श्रीमद नित्य विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर की जय। स्वागत भक्त वृंद की जय। अनंत घटी वैष्णव वृंद की जय। गंगा जमुना तुलसी देवी की जय। क्षेत्र मंडल ब्रज मंडल गौड़ मंडल की जय। स्वीत भक्त वृंद की जय। अभी सभा प्रारंभ कीजिए। थोड़ा थोड़ा उधर से रास्ता उधर कहाँ है? इधर से एक रास्ता नहीं है क्यों? सभी लोग आएंगे। यहाँ से उधर से आएंगे ना लोग, यहाँ करके पुष्पांजलि ऐसे सलाम सूरुन्मीलितं ये तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय ताधिकायै प्रियात्मने शिष्यमाद्भक्तिवेदान्ते श्रीनारायणेति नाम्नि। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते ब्राह्मणेति नाम गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोदशत शिष्य मद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टोदशत शिष्य मद भक्ति वेदांत श्री लवावन गोस्वामी महाराज तदीय चरण जुगली जुगल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति हम निवेदन करते हैं। आज श्री नारायण गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि पूजा जो कि गुरुपाद पद्म यहाँ पर आए और पूरी धाम में जिनकी अतिशय प्रगाढ़ निष्ठा रही ब्रजमंडल क्षेत्र मंडल और गौड़ मंडल तीन मंडल को जिन्होंने आश्रय किया और इतनी निष्ठा इतनी दृढ़ता इतनी भावना जो कि अंतिम क्षण और अंतिम यात्रा जो कि परम धाम में राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करना है तो ब्रजमंडल से नवद्वीप धाम की यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए और पूरी धाम से ही उन्होंने महाप्रयाण किया। इस प्रकार आज उनके आविर्भाव तिथि हम लोग दोनों हर्ष और आनंद दोनों ही अनुभव करते हैं तो इसलिए आज उनके गुणगाथाओं पर हम लोग आश्रय करते हैं जो कि उनके महान चरित्र उनके गुणावली हम लोग श्रवण करने को इच्छुक हैं। आज हमारे मत में वैष्णव लोग आएंगे सभी भक्तागण बोलेंगे उसके बाद हम चाहते हैं हमारे मत में उपस्थित शिष्य श्री भक्ति वेदांत श्री सिद्धांत महाराज वे गुरु जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि समर्पण करें अपना कुछ वक्तव्य रखें हम उनसे निवेदन करते हैं। तो कोई बात नहीं सभी लोग समझ लेते तो। अच्छा महाराज जो बोलेंगे इस माइक को फिर बाद में फिर से सब आ गए ये लोग टाइम पर आए नहीं है महाचंद्र ने सब दस ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी नामने नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्यनिजभक्तियोगं शिक्षार्थकं सपुरुषं पुराणं श्रीकृष्णचैतन्यशरीरधारी कृपामूर्त्या प्रपद्ये महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रे नबलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरसेवावसनदौ
जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र चल श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र चल श्री श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव एवं वैष्णवी के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हुआ। आज बड़े पुण्य तिथि है, बड़ी पावन तिथि है। तिथियों को भी पावन करने वाली तिथि गुरुदेव की आज जन्म तिथि व्यास पूजा, जो कि हम वैष्णव के अनुगत में श्री जगन्नाथपुरी धाम में संपन्न कर रहे हैं, जिस स्थान पर उन्होंने अपनी अपकट लीला को यापन किया, उसी स्थान पर उसी इस श्री दामोदर गौड़ीय मठ में आज हम लोग इस संध्या के समय में उनकी व्यास पूजा तिथि मना रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या शास्त्र में बताया कि इस अमावस्या वाले के दिन देवादि देव महादेव मौन हो गए थे। सती के द्वारा प्रभु रामचंद्र की परीक्षा के उपरांत सती ने जब सीता का वेश धारण किया तो शिव उनको देखकर मौन हो गए कि मेरे मना करने पर भी इन्होंने प्रभु राम की परीक्षा की। हमारे जगत गुरु नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्रश्वर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तव में मौन का अर्थ क्या है। बहुत से लोग मौन व्रत ले लेते हैं और वो ये समझते हैं कि मौन का मतलब है चुप रहना, किसी से बातचीत नहीं करना। परंतु प्रभुपाद जी बताते हैं मौन का व्रत क्या है, जो 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का जो गान करते हैं वही वास्तव में मौन है। संसारिक कथा ना बोलकर अपने इष्ट की कथा को ही स्मरण करना और उसका गायन करना यही वास्तव में मौन का अर्थ है। इसलिए इस मौनी अमावस्या वाले दिन हमारे गुरुदेव ने आज के दिन जन्म लिया, आविर्भाव हुए बिहार प्रदेश के तिवारीपुर नामक ग्राम में, जिस ग्राम के निकट में ही प्रभु रामचंद्र ने ताड़का का वध किया था। ताड़का अविद्या का प्रतीक है और भगवान रामचंद्र ने ताड़का का वध करके अविद्या को दूर किया। गुरुदेव ने भी उसके निकट में ही ग्राम में जन्म लेकर सारे संसार की अविद्या को दूर किया, सारे संसार की अविद्या को दूर किया। किस प्रकार से दूर किया, उसे कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के द्वारा। जब गुरुदेव ने आज के दिन जन्म लिया, थोड़े से जब बड़े हुए, उनके गांव में ही नित्य प्रति रामलीला होती थी। गुरुदेव अपने पिताजी के साथ उनका हाथ पकड़कर रामलीला को देखने जाते और राम कथा को सुनने जाते।
बाल्यकाल में ही उनको संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई थी। गुरुजी स्वयं अपने मुख से एक बात बता रहे थे, एक बार जम्मू में गुरुजी प्रचार में गए थे और उन्होंने स्वयं अपने मुख से बात कही थी कि जब बाल्यकाल में मैं रोज नित्य प्रति पिताजी के साथ जाकर राम कथा सुनता था, उस राम लीला में इतना आविष्ट हो गया था कि दिन रात मुझको वो कथा ही स्मरण रहती और उन प्रभु राम का दर्शन करने के लिए मैं सदैव ललायत रहता था। और एक दिन की बात, नदी के तट पर गुरुजी बैठे थे, हरे कृष्ण, नदी के तट पर गुरुजी बैठे थे और उन्होंने एक अपूर्व दृश्य देखा। गुरुजी बता रहे थे, मैंने देखा एक बड़ा सुंदर वाहन आकाश से नीचे उतर रहा है और उस वाहन में संपूर्ण राम दरबार विराजमान है। प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी के साथ उस पर विराजमान हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनको चावल डुला रहे हैं और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। गुरुजी बोले, ऐसे अपूर्व दृश्य को देखकर मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। मैं देख रहा था वो वाहन कैसे नीचे उतर रहा है। जैसे जैसे वो वाहन नीचे निकट में आता गया, गुरुजी बोले, मैं वो दर्शन देखकर अचंभित हो गया और मैंने साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन थोड़ी देर में ही क्या देखता हूँ, वो दृश्य जो मैं देख रहा था वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं और उसको नहीं देख पाया और मैं विवल होकर भूमि पर लोटपोट खाने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, जो इतना सुंदर दृश्य मैं देख रहा था वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो इसी से ही पता लगता है, बाल्यकाल से ही गुरु जी का भगवान की कथाओं में जो अविष्टता थी और उस अविष्टता के कारण उनको भगवान का जो साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। गुरु जी ने मौनी अमावस्या वाले दिन जो जन्म लिया, अभी बताया मौन का मतलब है नित्य प्रति कृष्ण कथा का गान करना, और संपूर्ण जीवन ही हमने देखा और सुना जाता है कि सारा जीवन ही उन्होंने कृष्ण कथा का ही गान किया और संपूर्ण विश्व को ही उन्होंने कृष्ण कथा से अभिभावित कर दिया सारे जगत में। जब भी गुरुजी के पास कोई आकर बैठता, गुरुजी उसको कृष्ण की कथा सुनाते। ये एक गुरुजी का वैशिष्ट्य रहा। और नित्य प्रति जिस प्रकार षड गोस्वामी वृंद संख्या पूर्वक नाम गान नृत्य, जिस प्रकार संख्या पूर्ण करके प्रणाम करते, संख्या को पूर्ण करते, जो उनका नित्य नियम था उसको पूर्ण करते, ऐसे ही गुरुदेव भी रात को 2-2.5 बजे उठ जाते और अपनी संख्या को पूर्ण करते। जब तक 1,00,000 नाम नहीं करते, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे, ऐसी निष्ठा हरि नाम के प्रति। जो भी उनके चरणों में आकर बैठता उन्हीं को वो आश्रय प्रदान करते। इसलिए गुरु जी का नाम नारायण, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। और नारायण का अर्थ ही क्या है, जो नर अर्थात जीवों के जो आश्रय है। इसलिए गुरुदेव कैसे थे कि जो उनके निकट कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उन सबको आश्रय प्रदान करते थे। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी जब गुरु के निकट आता था, गुरुजी उसको भी कृष्ण कथा सुनाकर उसका उद्धार करते और उसको ठीक रास्ते पर सदमार्ग पर ले जाने की पूरी पूरी चेष्टा करके उसको बदल देते। जिस प्रकार एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि जहां पर भी स्पर्श करती है उसको स्वर्ण बना देती है, ऐसे गुरुदेव भी चिंतामणि स्वरूप थे। जो उनके निकट में आता, जो उनका संग प्राप्त करता, गुरुजी उनको स्वर्ण की भांति उज्जवल बना देते। इसलिए देखा गया कि कैसे गुरुजी के संग में मठ में आया हुआ एक साधारण व्यक्ति भी, जो अभी 1 महीने के लिए भी मठ में है और गुरुजी की कथा सुन सुनकर
वो इतना परिपक्व हो जाता और इतने सिद्धांत को जान लेता कि दूसरे दूसरे संप्रदाय में या और स्थानों पर बड़े बड़े लोग भी जो 20-20 साल से आश्रम में वास कर रहे हैं वे भी इतना नहीं जानते जितना गुरु जी के संग में आकर एक दो महीने में एक बालक भी जो सीख जाता था। ये साक्षात चिंतामन स्वरूप और कैसे सिद्धांत बोलते महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आशे या नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम, पृथ्वी में सभी ग्राम में सभी स्थानों पर मेरे नामों का प्रचार होगा। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी कहा कि सभी मिलकर रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करेंगे। इन दोनों श्रीमद महाप्रभु और प्रभुपाद जी की इच्छाओं को यदि वास्तव में देखा जाए तो श्रील गुरुदेव ने ही पूर्ण किया। पृथ्वी में सभी स्थानों पर जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, जो भागवत की वाणी है, उस भागवत धर्म का उन्होंने प्रचार किया। निर्भीक होकर बिना किसी भय के जो वास्तविक सत्य है उस सत्य का प्रचार किया और रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार किया, जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु इत्यादि ग्रंथों में जिस परकीय भाव का वर्णन किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जिस प्रकार से अपने ग्रंथों में विलास पुष्पांजलि इत्यादि में जिन सत्य बात का वर्णन किया, गुरु जी ने कभी भी किसी के भय में आकर सत्य वाणी से कभी भी दूर नहीं हुए। और यही कारण रहा कि बड़े बड़े पंडित भी जब गुरु जी के समक्ष आते और अपनी बात को रखते, गुरु जी उनकी बात को वहीं पर खंडन कर देते, रूप रघुनाथ की वाणी को अवलंबन करते। हमारे बीच में महाराज जी बैठे हैं, जानते हैं कैसे मथुरा मठ में जो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आते, पंडित आते और सभा बैठती जिसमें स्थापित करते कि कृष्ण मथुरा में जन्म लिए हैं ना गोकुल में लिए हैं। मथुरावासी जितने भी बड़े बड़े पंडित आते सब ये स्थापित करते कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में ही हुआ है, मगर गुरुजी शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर उनकी बात को खंडित करके और विशेष करके भागवत के आधार पर श्लोकों के द्वारा ये प्रमाणित करते कि कैसे कृष्ण का जन्म गोकुल में कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोदा जी के नंदन है, इस बात को स्थापित करते। बरसाना में और अन्य स्थानों पर स्वकीयवाद का बहुत प्रचलन है, लेकिन गुरु जी रूप गोस्वामी जी के और रघुनाथ दास गोस्वामी के वही जो प्रभुपाद जी ने जो भविष्यवाणी की, जो सबको आदेश प्रदान किया कि सभी रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करेंगे, गुरुपाद पद्म ने इस बात को सत्य किया। जो रूप गोस्वामी के विचार, उसी विचारों को ही उन्होंने प्रचारित किया, परकीय वाद को स्थापन किया, भागवत के गोपी गीत के इत्यादि श्लोकों के द्वारा स्थापित किया, पति सुतन्वया भ्रातृ बांधवा इत्यादि इत्यादि कितने श्लोकों के द्वारा स्थापित किया कि वास्तव में राधा कृष्ण का परकीय भाव स्वकीय भाव नहीं। और कितने कितने लोग गुरु जी की इन बातों को सुनकर, इतने प्रमाणों को सुनकर सारा जीवन जिस बात पर वो अटल रहे, लेकिन गुरु जी के संग में आकर उनके वे भाव भी बदल गए और उनको बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ा कि कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनका जन्म गोकुल में हुआ है और परकीय भाव ही सर्वश्रेष्ठ भाव है। ऐसे ऐसे गुरु जी के अनेक अनेक वैशिष्ट्य हैं। अभी और वैष्णव लोग कथा बोलेंगे, मेरे को जो आदेश हुआ था 5 मिनट कथा बोलने का, जितना सामर्थ्य था टूटी फूटी वाणी में, अधिक नहीं चाहता हूँ, गुरु जी से अधिक संग नहीं हुआ है, इन गुरु वैष्णव से जो श्रवण किया है वही कहने का प्रयास मात्र किया है। वांछा कल गुरु से कृपा सिंधु पति का नाम पान श्री गुरु महाराज की जय। आपने बहुत सुंदर रूप से अभी अभी गुरु जी की महिमा को प्रकाशित किया है और उससे भी विशेष रूप में जो कि तारका के देश में जहाँ पर तारका वध हुआ था, भगवान श्री राम की लीला स्थली है और गंगा के किनारे
तिवारीपुर गांव में जो तिवारी ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया और उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति में किस प्रकार निष्णात हुए, इस प्रकार गुरु जी की महिमा को आपने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया और साथ ही सिद्धांत के अटूट सिद्धांत के जो पक्के और सिद्धांत वलिया चित्ते नाकर हलास जाहरिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। श्रील महाराज से को गुरु जी को देखा सकिया और परकियावाद में परकियात्व को स्थापन करने में तथा मथुरा से गोकुल में कृष्ण के जन्म को प्रतिपादन करने में और जीव स्वरूप के विचार में भी जो जीव का नित्य सिद्ध रस है भाव है उस स्वरूप को प्रकट कराने में, तो इस प्रकार जो कि गुरु जी की अपार करुणा रहेगी। जहां पर कोई सिद्धांत पर अटपटाएगा वहीं पर पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार जो सिद्धांत में भावना में भक्ति में प्रेम में जो पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं ऐसे गुरु जी की महिमा आपने वर्णन किया है। नाउ आई वॉन्ट अवर परम पूज्य पाद शिष्य मत भक्ति वेदांत श्री भागवत महाराज He will speak to our Srila Gurudev. Today Gurudev birthday, FPR day. So today Gurudev, he explained and he manifests so many kinds of Pampayupas Sishimadva. Gyananjana Salakaya चक्षुरमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनुविष्टं सविधं येन भूतले स्वयं रूपं गदमाय ददन्ति स्वापदन्ति कम् नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवाय गौरवाणी प्रचार्यने नैव शेष शून्यवारी पश्चात्यादिशतार्यने नमः ओम विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमात भक्ति वेदांत नारायणीति नामने। First of all, I offer my most humble obeisances under the lotus feet of my Diksha Guru, Nitya Lila Pravishna Om Vishnu Pad Asatara Sata Sri Srimad Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj. And then I offer my most humble obeisances under the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru, Nitya Lila Pravishna Om Vishnu Pad Asatara Sata Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Kiyaya. I offer my most humble obeisances unto the lotus feet of the Rupa Nuga Guru Varga, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, and I offer my obeisances unto all the Vaishnavas and Vaishnavis who are present here today. So, unfortunately, I had written a very nice Vyas Puja offering to Srila Gurudev, which I was hoping to read tonight, but they can't seem to get the magazine to me. So, to the best of my ability, from my memory, I'll try to recite what it is that I had written in this offering to Srila Gurudev. Srila Bhaktivinoda Thakur once gave an analogy about how
the Mandir Prem, Prema Bhakti, was established. He said that after the Buddhists had destroyed Vedic Dharma within India, it was Sri Padshankaracharya who came to drive the Buddhists out of India and to re-establish the Vedic Dharma throughout the Indian continent. And he says that his service in re-establishing Vedic Dharma was considered the foundation of this temple of Prema Bhakti. He said that it was Ramanujacharya and Madhvacharya who then established the principles of Shuddha Dvaita and Vishishta Dvaita that were able to build the actual construction of the temple, the building of Prema Bhakti. And he said it was Sri Chaitanya Mahaprabhu himself who came and installed the deity of Prema Bhakti within the temple. So I took this analogy and I extended it by saying that it was Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada who then traveled throughout the world and distributing millions of books and preaching to millions of people, he brought the whole world into the temple of Prema Bhakti to see the darshan of this deity. And then, further extending the analogy, it was Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj who extensively traveling throughout the world and preaching the mission of pure bhakti explained the many deep divine nuggets of bhakti ras within the teachings of Srila Prabhupada's books and within the books of all the Goswamis and the prayojan tattva of this prema, this prema mandir and the deity of prema within the mandir. He was the one who gave us the prayojan tattva to its fullest extent. Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, traveled extensively throughout the world, preaching this mission and explaining Krishna consciousness at a time when the mission of Mahaprabhu was starting to become covered over by many, many misconceptions. We who were living in the Western world, who had been disciples of Srila Prabhupada, who had been touched by his divine lotus hand and his divine teachings, had, due to lack of proper association and pure sadhu sangha, fallen into many misconceptions and misunderstandings about the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and our own Gurudev. There were different groups, ISKCON, Reform ISKCON, Ritvik, Prabhupada Nuga, Original ISKCON, different people making so many different ideas, conceptions, so many things, trying to preach the mission, trying to understand original books, edited books, this thing, that thing, so many things. Nobody really understood, nobody was clear. A lot of the sannyasis and gurus that had been in ISKCON had fallen and had created many, many difficulties. It was a very unfortunate situation. And so in this state of utter confusion, Srila Gurudev appeared upon the scene like a brilliant sun of transcendental knowledge and illuminated the whole world of Gaudiya Vaishnavism to us in a way that not only touched our hearts the way Srila Prabhupada had, but it actually brought us into a whole new place, a whole new understanding of what was the conception of Gaudiya Vaishnavism. And it just shook us
from our slumber and our illusion and our confusion. So it was a very brilliant and amazing thing that Srila Gurudev had done when he came to the Western world and began preaching, and people on the first tour, when the devotees started hearing this pure, unadulterated Hari Katha, this pure stream of nectar, of transcendental knowledge about the glories of Guru Tattva and Krishna Tattva and Prayojan Tattva, and understanding the sweet nectar that he was speaking, the devotees in the audience were simply weeping, crying, in experiencing the reflection of Balabhas that was being emanated from his heart. It was just, the experience was unrivaled, just absolutely amazing. And so, Srila Gurudev, he started to teach us how to understand the great legacy that had been left to us by our Srila Prabhupada. He taught us the meaning of Gauravani Pracharyane. We had no idea what Gauravani Pracharyane meant. He taught us. He trained us. He helped us to understand this conception. We had no idea how to properly worship and properly glorify our Srila Prabhupada. He taught us what the real meaning of worshiping and glorifying the spiritual master was. And he did it in such a broad and detailed manner, explaining the glories of Srila Prabhupada in such great detail, that if an entire book was compiled out of the different lectures that he gave on the topic called Gauravani Pracharyane. And in fact, no one, not any single disciple or follower of Srila Prabhupada, has to this day glorified Srila Prabhupada in the way that Srila Gurudev has through this particular book and through his many, many glorifications. His explanations completely illuminated the meaning of Srila Prabhupada's mission, why he came, what he came to accomplish, and what our duty was if we wanted to inherit the great treasure that he had brought for us to have. And so it was a simply absolutely amazing revelation to have the association of such a sadhu who was able to illuminate to us that person who was dearmost to our heart and explain to us who he really was and what our relationship with him was. The next important thing that I feel Srila Gurudev did was he gave us the biography of Srila Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj. This is a major achievement, because none of us really understood who Srila Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj was. We never realized the intimacy of his association with Srila Saraswati Thakur. We only knew of him in a distant manner as that person who gave sannyas to our Prabhupada. But we had no idea what a giant of a spiritual personality he actually was. And this biography that he wrote was so full of not just beautiful expressions of the glories of Srila Bhakti Prajnana Kesava Maharaj's intimacy with Srila Saraswati Thakur and the great services that he rendered to him, but it was full of so much Siddhanta about the real meaning of Gaudiya Vaishnavism, that in and of itself, the book is a completely priceless gem in which everything that we need to know is really contained. For me personally, one of the most beautiful and wonderful things in that book, I consider it like the crown jewel of the entire book, is Srila Gurudev's commentary on the Radha Vinodini Hari Tattvastaka. Srila Bhakti Prajnana Kesava Maharaj's Tattvastakam on Srila Radha Vinod Bihari is one of the crown jewels of Gaudiya Vaishnava poetry. And it is full of all of the Siddhanta, complete. Everything that we need to know about Gaudiya Vaishnava Siddhanta is contained within this Tattvastakam. And Srila Gurudev's commentary on this Tattvastakam is completely illuminating
giving us a complete and deep insight and understanding into the most minute meaning of every single syllable in that Tapasvastakam and of the great treasure that the Tapasvastakam holds for us. So I consider his glorification of his own Guru Maharaj and showing us who he really was, and the fact that he was the one who gave sannyas to both our Srila Prabhupada and Srila Narayana Maharaj, we better understood who they were and what their mission was and what they were accomplishing by understanding and realizing Srila Bhakti Prakash Keshav Maharaj's unique position in his relationship to Srila Saraswati Thakur. So this is another significant accomplishment that Srila Gurudev had done within his preaching mission in this world. And then, the way he expressed Prayojan Tattva in Venu Geek, Gopi Geek, and a number of other lectures and books that he had presented, showing us the understanding also in other books like the Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu and Bhakti Tattva Vivek and the Manashiksha, and teaching us the understanding of the basic principles and conceptions of all the different phases and varieties of bhakti, so that we understood distinctly what was pure bhakti and what was our prayojan. Many times I remember him explaining this conception of understanding your sadhya before you do sadhana, and how we had no conception of what this was. We would just jump around from Narayan to Vishnu to Nisringa to Radha Krishna to Jagannath to this thing to that thing without any proper focus or direction in what our bhajan was. And Srila Gurudev taught us how to understand what is sadhya, what is your prayojan, what is your goal, and then how you can practice that goal through the practice of sadhana. So this was also very, very important for all of us. We didn't really understand. We were chanting japa, we were reciting bhajans, we were doing all these things, but we had no understanding of this basic conception. And it was Srila Gurudev's preaching that helped us to understand the actual principle. And then, amongst all of the things that he taught us within Prayojan Tattva, the conception of Radha Dasya was completely alien to us in the Western world. We had absolutely no conception of this at all. In the recent publication of Roy Ramanam Sambha, in his commentary on the first verse of the 8th chapter, Srila Gurudev makes the point that the fact is that when one achieves this, the manjara, the actual mood of the manjaras in Radharani, is that their relationship with Radharani becomes their sthayibhava, and that their relationship with Krishna then becomes the sancharibhava, which nourishes their sthayibhava with Radharani. Nowhere throughout all of the Goswami literature are we going to hear this particular conception explained as lucidly as Srila Gurudev explains it here in these two or three sentences. One has to go deep into Ujjvala Nilamani and the other writings of Srila Rupa Goswami to actually find these conceptions of Radha Dasa Snehadika, Snehadika, to find these conceptions properly illuminated. And then, even still, they're somewhat hidden from the view of the common reader. It is only Srila Gurudev's divine benevolence upon modern society that he would give us such a clear and lucid explanation of Radha Dasya, so that we can actually understand the greatest of all Prayojan Tattva that we were being given. So, considering all of these things that Srila Gurudev has done, of course, most of what I'm speaking about are things that I have personal experience with from the time Srila Gurudev came to the Western world to preach.
Srila Gurudev's glories before that are also unlimited. The things that he did in relationship with his Guru Maharaj, the preaching he did here in India, the establishment and maintenance of the Keshaji Gaudiya Math, and the things that he did and the intimacy he had with his Gurudev, and the wonderful, wonderful stories about all of the wonderful services that he performed are really unlimited. So it is not really possible, and even if all the speakers tonight cover so many different things, we will not really be able to cover all the glories of such a personality as Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who was given the most beautiful conception of Prayojan Tattva and of the principles of pure bhakti in a way that no one else has ever presented them with such lucidity, clarity, and definition, so that the general public of the world can actually take to them and become attracted to them and take up the principles of bhakti yoga on the basis of the sweet Hari Katha which he preached. And anyone who got the chance to hear Srila Gurudev tell the pastimes of Krishna Leela from 10th canto, the Damodar Astakam Leela, and Krishna's childhood pastimes, and Krishna's pastimes with the gopis, anyone who got the opportunity to hear him glorify in the Parihita verse and the other verses that glorify the beauty and excellence of Krishna's beauty and service to Radha and Krishna, anyone who got a chance, the opportunity to taste the ecstasy that emanated from his heart through his lips when he spoke these glories, was touched to the core of his heart in a way that has never been touched before. Mm-hmm. In this way, Srila Gurudev, he expressed the principles of love and affection so deeply and ingrained them so deeply within us that it became a kind of transcendental drug which we couldn't live without. We became intoxicated on this drug of love and affection, and he caused us to become so deeply united with him and so deeply committed to him that we could never leave his association under any circumstance, no matter how many foolish complaints were made against him by all these foolish people. Srila Gurudev was without a doubt, for those who were not envious of his actual position, he was without a doubt the Jagat Guru, the Yugacharya. He was the person who was Vaishnava Sarvabhauma, the real leader of all the Vaishnavas in the world while he was present on this planet. So, this is just, you know, I tried to summarize the different points that I made within the offering that I wrote. You can get it later when you read the magazine. But it is very difficult for me to think at this present moment that Srila Gurudev, manifest presence, is not here any longer. I've been looking forward to this day of coming here in his presence and being able to read this Vyasa Puja offering to him. And somehow, I feel that he is here, that he is listening, that he is hearing our words tonight. And I'm hoping and praying that he's looking down upon all of us and he's seeing in our hearts what it is that we're actually trying to do. We're trying very hard right now. Many of us, many, 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 many devotees within this Sangha are trying very hard to see that the instructions that he gave are fulfilled, that they are followed, in order to make sure that his mission continues, that his legacy continues into the future.
No one can be sure of what will happen. No one can know. We can only pray, and we can only surrender, and we can only hope that through Srila Gurudev's mercy, that somehow all of this will come out successful and victorious, and that the great legacy of the glorious teachings which he left us can continue into the future for everyone in this generation and in the future generations. Although I am not very qualified, I'm actually a very fallen person. I have done my best to try and offer him some service in the few years that I was with him. And I will continue to try and follow the instructions which he gave me, which was to be a mother to all of his disciples, to preach around the world, and to establish some preaching missions in a few places in the world. I will try to follow those instructions, and I will try to fulfill those orders. And I pray that I can always have the blessings of all the Vaishnavas upon my head, and forgive me for any of my offenses. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Gurudev Ki, Srila Gurudev Ki, Srila Gurudev Ki. Go Srimad. Abhi Abhi. हमारे परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भागवत महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप से गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हुए उन्होंने अपने भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पण की है। गुरु जी जो कि राधा जी की पाल्य दासी होने की निष्ठा प्रकाश की है और राधा निष्ठा में ही प्रगाढ़ रूप से उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया। ये गौर सिद्धांतों में पक्के, विचारों में सुनिश्चित और विवादित थे। अभी हमारे वेदांत पद्मनाभ महाराज जी हमारे सामने कुछ पुष्पांजलि समर्पण करेंगे। श्रीमद् भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज और पुष्पांजलि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणिति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदौर्य मधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तं शिरसा नमामि।
Chidandinam bhakta shiromanim cha Shri Krishna padabja dhritaika hridi Chaitanya dilamrita sarasaram Narayanam tam satatam prapadye Namo Vishnu padaya Krishna prasthaya bhutale Shrimate Bhakti Rakakshri Dhargo Swaminiti Nani Namam Vishnu Padaya Charja Singha Rupane Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavaiti Nani Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutane Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Nani Vancha kalpataru bhyascha Kripa sindhu bhya evacha Patitanam bhavane bhyo Vaishnavi bhyo namo namah Namo mahavadanaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya Namne Gaurachise Namah He Krishna Karna Sindho Dina Bandho Jagatpate Kupesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pramami Hari Priye Vrindai Tulside Vare Priyai Keshavasyacha Krishna Bhakti Prade Devi Satya Vachai Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare